हे गाइस, वेलकम टू मैंगो मैन रिव्यूज। गाइस, सीजन 3 आ गया है क्रिमिनल जस्टिस का। सिर्फ 2 एपिसोड्स आया है, बट आपको मैं बताऊं, अगर इसका सारा एपिसोड आज रिलीज हो जाता ना तो मैं बिंज वॉच कर लेता। बहुत ही लाजवाब, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय बाद मुझे इतना अच्छा लगा है कोई वेब सीरीज। गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है ना, तो ये वेब सीरीज तो आपको बहुत मज़ेदार आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये वेब सीरीज देख के। बहुत अच्छे तरीके से वेब सीरीज को दिखाया गया, कहानी बहुत ही लाजवाब है। एक परिवार है, उस परिवार में 2 बच्चे हैं और एक लड़का है, एक लड़की है, और लड़का काफी ज्यादा बिगड़ेल है, जिसको देख के आपको बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं होगी उसके लिए। काफी ज्यादा बिगड़ेल है, वो पार्टी करने चला जाता है, ड्रग्स भी लेता है, और मतलब अपनी बहन से चिढ़ता भी है क्योंकि उसकी बहन सुपर स्टार है और उसकी बहन को बाहर भी इज्जत मिलता है, उसके घर में भी उसकी बहन को ज्यादा इज्जत मिलता है। तो ये देख के उसका भाई चिढ़ता बहुत है, तो बस शक सारा उस पर चला जाता है। एक दिन पार्टी में उसकी बहन का डेथ हो जाता है, वो मिसिंग हो जाती है, और फिर अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, वो मर जाती है उसकी बहन। तो सारा का सारा शक चला जाता है उसके भाई के ऊपर। अब उसका भाई भी वो है, वो अपना भाई नहीं है, वो सौतेला भाई है, और सौतेला भी कैसे है, लड़की किसके कौन से पेरेंट्स है, लड़का कौन से पेरेंट्स है, ये भी देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। इतने लाजवाब तरीके से दिखाया गया ना कि वो लड़की का पूरा बिल्डअप, जो मतलब पहले 2 एपिसोड में जो बिल्डअप किया गया परिवार का, पूरे फैमिली को जो बिल्डअप किया गया, एक बड़ी कंफ्यूज सी फैमिली है, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों झगड़ रहे हैं, पार्टी में जाते हैं, फिर वहाँ से मिसिंग हो जाते हैं, और लड़के पे शक, और वो लड़का ड्रग्स भी लेता है, बहुत बुरा भला भी है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं होगी। उस लड़के की जो माँ है वो केस लेके जाती है पंकज त्रिपाठी के पास कि भैया हमारा केस तो कोई ले नहीं रहा है और हमारे पास पैसे भी अभी थोड़े से कम हो गए क्योंकि हमने सारे पैसे प्रॉपर्टी में लगा दिए, तो भैया आप हमारा केस ले लो। एपिसोड 2 तक तो सिर्फ यही दिखाया गया कि भैया पंकज त्रिपाठी के पास चली गई है उसकी मम्मी उसका केस लेके। अब वो एक 17 साल का माइनर है, वो 18 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर मर्डर चार्ज लगे हैं। अभी वो मर्डर उसने किया है या नहीं किया, पूरा कोर्ट रूम ड्रामा भी पूरा का पूरा शो बचा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा, बट गाइज इसको मिस मत करना, बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब मैं एकदम फुल सेटिस्फाइड उस वेब सीरीज को देख के। इसका 2 एपिसोड देख के मैं अब आके बाकी एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी आए भाई। मतलब बहुत मज़ा आया मुझे ओवरऑल। अगर आपको भी ये मज़ा चाहिए तो भैया जाके देख लो, हॉटस्टार पे अवेलेबल है सीज़न 3। 2 ही एपिसोड्स अभी आए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बस ये वीडियो यहीं पर तक, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये।